कोई ऐसी वजह भी है जिसकी वजह से इंसान के लिए रोजा तोड़ना जायज है? बेशक ऐसी वजूहत हैं, मसलन मुंह भर के उल्टी आ गई, सबसे पहली बात है मुंह भर के कह आ जाना। मुंह भर के कह आने का मतलब यह कि कह इतनी आई कि वो नाक के नथनों में भी घुस गई और मतलब पूरा जिस्म मतलब उसका, तो उस सूरत में रोजा टूट गया, उसका रोजा टूट जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा उसकी तबीयत वैसे खराब हो जाए या कुछ और ऐसा कोई मसला बन जाए, तो जिस्मानी तो या सेहत के हवाले से या कोई इमरजेंसी में हो जाए, तो वो उस सूरत में रोजा तोड़ सकता है। बेशक बेशक, इस्लाम में तो कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा है, पारा नंबर 2 है और आयत नंबर 184 अल्लाह ताला इरशाद फरमाया अय्याम मादूदात, गिने चुने तो रोजे हैं, दिन हैं, लेकिन फमन काना मिनकु मरीदन, तुम में से जो कोई बीमार हो जाए, मुसलमान मर्द बीमार हो, मुसलमान औरत बीमार हो जाए, अगर वो बीमार है रोजेदार, अव्वला सफरिन, या किसी सफर में है, तो फ़ैदतों में नहीं आमिन खरों से चाहिए कि रमज़ान के दूसरे दिनों में, रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में रोज़े की कज़ा मोड़ ले।